हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज एंड यू आर इन द सीरीज़ जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक सॉन्ग कंपोजिशन की स्टार्ट टू फिनिश। हम पूरा सॉन्ग कंपोज कर चुके हैं अपने पिछले 4 वीडियोस के अंदर। मैं इवन मिक्सिंग का जो पहला स्टेप होता है गेन स्टेजिंग, वो भी डिस्कस कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। नाउ इस वीडियो के अंदर मैं मिक्सिंग के सेकेंड स्टेप के ऊपर आऊँगा, जहाँ पर हम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं स्टॉक प्लगइन्स या फ्री प्लगइन्स ही यूज़ करूं, क्योंकि जो लोग पेड प्लगइन्स परचेज नहीं कर सकते उनको इससे काफ़ी लर्निंग मिल सकती है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इस ट्रैक को मिक्स करने के लिए मैं सबसे पहले एक ऐसे पार्ट को सेलेक्ट करूंगा जहां पर मेरे मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट पार्ट में भी की थी अपने लास्ट वीडियो में। तो ये है मेरा ड्रॉप का पार्ट, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको लूप किया हुआ है। इसके बाद मैं एक ऐसा पार्ट लूँगा जहाँ पर कि मेरे वोकल्स भी चल रहे हों, ताकि मैं बाकी के इंस्ट्रूमेंट को भी उसके साथ मिक्स कर पाऊँ। ठीक है, इसके साथ ही मिक्सिंग करने से पहले कुछ एक चीज़ें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कभी भी हम मिक्सिंग करने बैठते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमें मिक्सिंग करनी चाहिए मोनो में। ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट हाईली रिकमेंडेड कि आप मोनो के अंदर मिक्सिंग करेंगे तो आपके क्लैरिटी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़्यादा अच्छी आती है और आपको बेटर कंट्रोल मिलता है अपने हर ट्रैक के ऊपर कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद हम कुछ एक फ्री प्लगइन्स हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, जो आप डाउनलोड करेंगे थर्ड पार्टी वेबसाइट से। उसमें से एक है वॉक्सेंगो का स्पैन, जो कि हमारे काम आएगा। एक हमें लाउडनेस को मेजर करने के लिए हमें एक मीटर चाहिए होगा यूलिन का, वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है। वो फ्री है, वो परचेज नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मास्टर ट्रैक के ऊपर जाऊंगा। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस समय। तो कुछ एक फ्री प्लगइन जो कि मुझे चाहिए वो है एक यहाँ पर लिमिटर, जो कि सबसे मैंडेटरी प्लगइन है, आपको अपने मास्टर पर रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर यूटिलिटी को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यूटिलिटी का यूज़ मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ ही मुझे चाहिए वॉक्सेंगो का स्पैन, जो कि मेरे एक्सटर्नल फोल्डर्स के अंदर पड़ा हुआ है। नो, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है कि आपको यूटिलिटी के अंदर एक स्विच दिया हुआ है मोनो। ठीक है, जैसे ही आप इसको मोनो पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके जितने भी ट्रैक्स हैं वो मोनो के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ आप मास्टर के ऊपर कर रहे हैं। पर आप इसको सोचिए कि आप हर ट्रैक को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, देन आपको अगेन मास्टर पे आना है, फिर इसको क्लिक करना है, इसको ऑन करना है, ऑफ करना है, तो दैट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होगा। तो एक काम करेंगे हम, इस स्विच को हम ऑटोमेट कर लेते हैं, ईजिली हो जाएगा। और उससे हम अपने कीबोर्ड के किसी भी बटन को यूज़ करके हम बार बार स्विच करके देख सकते हैं कि मोनो में कैसा आ रहा है और स्टीरियो में कैसा आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मोनो के बटन के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, एड मिडी मैप करना है। यहाँ से कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी आपके पास। नाउ मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करूँगा 0। इसको यहाँ से पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 0 प्रेस किया तो ये मेरी एक की यहाँ पर मैप हो गई है। आप चाहें तो कोई और की मैप कर सकते हैं। मैंने 0 किया है ऑन एंड ऑफ के लिए। अब इसको मैं एस्केप कर दूंगा तो मेरी की यहाँ पर मैप हो गई। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैं 0 प्रेस करूँगा तो देखिए ये मोनो के अंदर हो गया, फिर 0 प्रेस किया तो ये ऑफ हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा अब। नाउ हम नेक्स्ट करेंगे पैनिंग। पैनिंग होता है आप जब सेंटर के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है आप उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं और बाकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उसको लेफ्ट एंड राइट या थोड़ा सा इधर उधर उनको पैन कर देते हैं। इसका एग्जांपल अगर आपको मैं सीधी सी भाषा में दूं, तो अगर आपने कभी रॉक बैंड लाइव सुना हो, ठीक है, या ऑर्केस्ट्रा का भी सुना हो, तो उनकी पोजीशन जो होती है जहाँ पर वो बैठे होते हैं वो रैंडमली नहीं होती है, वो डिसाइडेड होती है कि मेरा जो ड्रमर है वो ऑलवेज सेंटर में रहेगा, मेरा जो वोकलिस्ट है वो हमेशा सेंटर में रहेगा, जो पियानो या कॉर्ड्स प्ले कर रहा है वो हमेशा राइट साइड पर रहेगा, जो बेस प्ले कर रहा है वो लेफ्ट साइड पर रहेगा। तो इस तरह से पोजिशंस उनकी डिफाइन होती हैं, तभी हम सारी चीज़ें लाइव अच्छे से सुन पाते हैं। अदरवाइज़ वो चीज़ वैसी नहीं आएगी जैसी हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो यही चीज़ हमारी मिक्सिंग के अंदर होती है। तो मिक्सिंग के अंदर हमें जो अपना सेंटर पॉइंट है वो रखना है अपने बेस को, किक को एंड अपने वोकल्स को। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में मेरे पास अभी वोकल्स यहाँ पर नहीं हैं, तो मैं अपने किक और बेस को जो है वो सेंटर में रखने की कोशिश करूँगा और बाकी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको मैं लेफ्ट एंड राइट पैन कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इन कॉर्ड्स की। अब देखिए यहाँ पर मेरा एक ये सिंगल कॉर्ड है ये वाला। अब मैं इसको सोलो करूंगा यहां से। और मैं यहां पर जाऊंगा यूटिलिटी के ऊपर और अपना स्विच जो है वो ऑन कर लूंगा। 0 प्रेस किया, अब ये मोनो के अंदर आ गया।
सो लेट्स ट्राई टू इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं हम अपने सेंटर से। तो सेंटर से शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम इसको बिल्कुल हार्ड लेफ्ट में या हार्ड राइट में डाल देंगे। थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए क्योंकि सिंगल इंस्ट्रूमेंट है ये वाला, यहाँ पर सिंगल कॉर्ड्स का इंस्ट्रूमेंट मेरा चल रहा है। तो मे बी मैं इसको 10% या 15% के आसपास ही रखना चाहूँगा। आप लेफ्ट या राइट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मैं इसको डाल रहा हूँ राइट में। तो मैंने इसको 10% राइट में शिफ्ट कर दिया। इसको हम सुनेंगे स्टूडियो के अंदर। अभी इसको मोनो को स्विच ऑफ कर देंगे। अब आपको क्लियर सुनाई दे रहा है कि ये लेफ्ट साइड में है। तो अब इसको मुझे इक्वल करना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज़ मुझे उठा के राइट में डालनी पड़ेगी जो इसके जैसी हो और इक्वलेंट इसका जो साउंड हो। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पर ये वाले जो फ्यूचर बेस के जो कॉर्ड्स हैं, मैं इसको यहाँ पर लेट से कि मैं इसको 20%, मैं इसको 15%, सॉरी नॉट 20%, इसको मैं लेफ्ट में कर दूंगा। ये लीजिए, और इसको सोलो प्ले करूंगा। ठीक है, ये मेरा बैलेंस हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो दूसरा वाला कॉर्ड था मेरा यहाँ पर फ्यूचर बेस का, ये भी इसका लेयर है, तो इसको मैं लेट से कि यहाँ से 13% या 14% मैंने राइट में कर दिया। तो अब सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे यहाँ पर ये बैलेंस के अंदर होने चाहिए, क्योंकि मैंने लेफ्ट में भी उतना रखा, राइट में थोड़ा सा ज़्यादा किया, देन अगेन मैंने लेफ्ट में डाल दिया, तो तीनों चीज़ें बैलेंस हो गई। सो लेट्स हियर इट। अब आप सुनेंगे कि राइट साइड पर जो है मेरा इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरा राइट पे ये कॉर्ड भी था और ये कॉर्ड भी आ गया। तो लेट से इसको मुझे लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको 12% मैंने लेफ्ट में कर दिया। अब तीनों इंस्ट्रूमेंट्स अपनी अपनी जगह पर आ गए हैं और सेंटर का स्पेस मेरा खाली हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा है यहाँ पर मेलोडी, जो कि सेंटर में होनी चाहिए, मुझे इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत यहाँ पर फिलहाल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरी बेस, ठीक है। किक और बेस को मैं एक साथ जो है उनको ईक्यू भी करूँगा और उनको पैन भी करूँगा सेंटर के अंदर। तो चलिए बाकी की जितनी भी चीज़ें पहले उनको फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक डीप बेस है। अब डीप बेस को मैं ना तो लेफ्ट में डाल सकता हूँ ना राइट में डाल सकता हूँ, तो इसके लिए एक जो सॉल्यूशन है वो ये होता है कि आप ईक्यू लीजिए और इसको मिड साइड ईक्यू कीजिए यहाँ पर MS, और उसके बाद इसको आप यहाँ पर सेंटर में थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, और उतना ही जितना आपने इंक्रीज किया है आप उसको लेफ्ट साइड से डिक्रीज कर देंगे यहाँ से। तो इसने मेरा सेंटर का स्पेस खाली कर दिया। ठीक है, उसके बाद लेट्स चेक इट आउट, ये क्या है, ये है मेरी मेलोडी। अब इसको भी मुझे सेम तरह से ईक्यू करना पड़ेगा, ना मैं इसको लेफ्ट में डाल सकता हूँ ना मैं इसको राइट में डाल सकता हूँ। तो मुझे मिड का जो स्पेस है वो थोड़ा सा खाली चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे वोकल आएंगे। सो इसको मैं मिड साइड ईक्यू कर दूंगा, यहाँ से मिड पे गया और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से लो कर दिया इतना, और मैं इसको साइड से थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा यहाँ से। ये वाला फिल्टर लेंगे हम और लेट्स इंक्रीज इट। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट बेस एंड किक। ठीक है, अब किक जो है मुझे उसको थोड़ा सबसे पहले थोड़ा सा ईक्यू करना पड़ेगा। तो ईक्यू करने के लिए मैंने इनको सोलो किया, ईक्यू 8 प्लगइन मैं यहाँ पर डालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसकी लो फ्रिक्वेंसी जो 20 एंड 30, लेट से 30 हर्ट्ज से जो नीचे की है वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा बेस का पार्ट भी आती है, प्लस उनको हम सुन भी नहीं सकते। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इसको मैं सिंपली यहाँ से कट कर दूंगा। उसके बाद क्या करना है कि मुझे कोई भी एक पॉइंट लेना है, जैसे ये मैंने ये वाला ले लिया, इस फिल्टर को मैं ले आऊँगा और यहाँ पर लेके छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए इसको बड़ा कर लेते हैं पहले ताकि ईजिली समझ में आए। सबसे पहले देखिए कि मेरी बेस कहाँ पर पीक कर रही है। ठीक है, तो इस एरिया में मेरी बेस है, मैंने इसको यहाँ पर सेट कर लिया। इसको सेट करके मैंने क्या अचीव किया है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब क्या करना है कि इसको मैंने करना है कॉपी, और इस चीज को मैं लेके जाऊंगा अपने बेस ट्रैक के ऊपर विच इज हेयर, और यहाँ पर इसको
पेस्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो फिल्टर था इसको मैं ऑफ कर दूंगा, तो मेरा यहाँ पर ये मुझे जो पोजीशन है ये जो मैंने सेट किया था ये मुझे किक की मिल गई। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जहाँ पर मेरी किक है वहाँ पर मेरी बेस जो है उसको थोड़ी सी लो प्रायोरिटी मुझे हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको दोनों में से एक चूज़ करना पड़ता है। अगर आपको बेस को प्रायोरिटी रखनी है आप बेस को ऊपर रखेंगे, किक को थोड़ा नीचे कर देंगे, या अगर आप किक को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आप बेस को थोड़ा सा उसको नीचे कर देंगे। तो नीचे करने का मतलब ये है कि उनकी फ्रिक्वेंसीज को हम थोड़ा सा उस एरिया से हटा देते हैं। तो इस चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं डायनामिक ईक्यू के थ्रू भी, पर यहाँ पर डायनामिक ईक्यू स्टॉक प्लगइन से थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको स्टॉक प्लगइन्स को बता रहा हूँ। मे बी पेड प्लगइन्स को यूज़ करके मैं इसको आपको एक अलग से ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि किस तरह से हम डायनामिक ईक्यू इसको कर सकते हैं। पर फॉर द टाइम बीइंग अब इनको हम एक साथ प्ले करेंगे, किक को और बेस को, और हम इसको भी यहाँ से थोड़ा सा एरिया इसका क्लीन करेंगे जहाँ पर मेरी किक है। अब ये वाला जो फ़िल्टर है मेरा यहाँ पर है, तो ये जो है मुझे ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से इस पोजीशन पर, एंड देन लेट्स मूव इट लिटिल बिट डाउन। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया EQ। नाउ आपको पता है कि बेस हमेशा मेरी मोनो में होनी चाहिए, सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं यूटिलिटी प्लगइन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप या तो सिंपली इसको कर सकते हैं मोनो, और आप कर सकते हैं बेस मोनो। बेस मोनो के अंदर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 120 हर्ट्ज यहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड है, कि इससे नीचे की सारी फ्रिक्वेंसीज मोनो के अंदर आ जाएं। तो मैं बेस मोनो सेलेक्ट करूँगा और साथ ही मैं ऑप्शन चूज़ करूँगा DC, ये वाला जो ऑप्शन है इसको जैसे ही ऑन करूँगा इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी फ्रिक्वेंसीज जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता उनको ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर देगा आफ्टर माई EQ एंड कंप्रेशन इज अप्लाइड। ठीक है, तो अब इसको हमने ऑन कर दिया, नाउ लेट्स हियर इट। अपने किक के ऊपर आएंगे और मे बी इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इसको 30 कर देंगे। ओप्स, हमें पहला फिल्टर सेलेक्ट करना है यहाँ से, लेट्स से इसको हम करेंगे 35। तो अब मुझे अपनी किक जो है वो क्लियर सुनाई दे रही है जहाँ पर मेरी बेस है। यू कैन इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकते हैं आप यहाँ से थोड़ा पंचीनेस देने के लिए। नाउ सेकेंड चीज हमें करनी है, इसके ऊपर लगाना है सैचुरेटर टू गिव इट लिटिल बिट वार्म्थ। ठीक है, अब इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम सुनेंगे एक बार मोनो के अंदर, एंड देन लेट्स डिसाइड कि क्या अभी हमें फिक्स करना रह गया है। ठीक है, तो अब इसको हम मोनो के अंदर रखेंगे, एंड मुझे लगता है कि मेरी किक जो है यहाँ पर थोड़ी सी लो साउंड कर रही है बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स की कंपैरिजन में, तो मैं इसको यहाँ से 2 dB जो है इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दूंगा। मे बी 10.5। अब इसको हम सुनेंगे स्टीरियो के अंदर। स्पैन के ऊपर जाके हम ये देख सकते हैं कि हमारी फ्रिक्वेंसी का ग्राफ क्या चल रहा है। एक बार हम इसकी सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ से लेट्स इंक्रीज दिस वैल्यू टू 4096। अब हमने क्या करना है कि एक EQ लेना है और इसको हम लेके जाएंगे अपने मास्टर चैनल के ऊपर,
और हमें कट करनी है लास्ट की फ्रिक्वेंसीज यहाँ से तकरीबन 17,000 किलोहर्ट्ज़ तक। क्योंकि वो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो थोड़ा सा जो है मड क्रिएट करती हैं और वी डू नॉट वांट दोज काइंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो ये देखिए जब मैंने इनको कट किया तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि मिड वाला पार्ट जो है थोड़ा सा हाई जा रहा है, बट उसको हम बाद में फिक्स कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हमारा इतना काम जो है वो हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम किक को सोलो करेंगे और एक एक इंस्ट्रूमेंट को लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि किक के सामने से उसको ईक्यू करना है और उसे थोड़ा सा हमने कंप्रेस करना है। तो ईक्यू लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे जो कॉर्ड्स के कुछ फ्रिक्वेंसीज आ रही हैं जो कि किक वाले पार्ट में है, जिसे हम फंगस बोलते हैं, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे। और हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर में हम जाएंगे इस वाले मोड में एंड लेट्स ड्रैग इट। बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी हम जब हम अपने ट्रैक को कंपोज कर रहे थे हम उस समय कंप्रेशन कर चुके हैं, तो बहुत स्लाइट सा करना है। और यहाँ पर हल्का सा हमें करना है इसको साइड चेन, जो कि है हमारा ट्रिगर। ये रहा ट्रिगर वाला पार्ट, ये देखिए हमने बताया था कि ट्रिगर कैसे बनाना है। तो अब हम यहाँ पर जाएंगे और इसको बहुत कम मामूली सा इसको हम करेंगे, इसको माइनस लेट्स से 18 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे कॉर्ड जो है वो परफेक्टली अपनी जगह पर आ चुके हैं कंपेरिजन टू माय किक। नाउ लेट्स अनम्यूट द अदर ट्रैक व्हिच इज फ्यूचर कॉर्ड्स और हम सिर्फ उसको किक के साथ प्ले करेंगे। अब सबसे पहले तुम जिसकी वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है कंपेरिजन अगर मैं करूँ अपनी किक के साथ, तो इसकी वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा कर दूंगा कम, लेट्स से -3 dB। Maybe 3.5। अब यहाँ पर हमने ये वाले मेरे जो इफेक्ट्स थे वो बहुत पहले से लगे हुए हैं जबकि मैंने यहाँ पर इसको कंपोज किया था, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको देखेंगे कि यहाँ पे कंप्रेशन भी हो रहा है प्लस ये फ्यूचर बेस के कॉर्ड का जो प्लगइन लगा हुआ है। यहाँ पर मुझे सिर्फ इसको ईक्यू करने की ज़रूरत है, तो ईक्यू लेके आऊँगा मैं यहाँ पर एंड देन डन। तो ये वाला ट्रैक भी मेरा परफेक्टली मैच हो चुका है, इन तीनों को एक साथ सुनेंगे अब यहाँ पर। एकदम सही सुनाई दे रहे हैं साथ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेलेडी। तो बाकी के सारे ट्रैक्स को मैं हटा दूंगा और सिर्फ मेलेडी को मैं फोकस करूंगा अपनी किक के साथ। सबसे पहले तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी मुझे लाउड करनी पड़ेगी, मे बी -2 dB। अब लेके आएंगे EQ इसके ऊपर और सेम चीज़ यहाँ पर भी, इसका फंगस हटाएंगे यहाँ से, इतनी फ्रिक्वेंसी हटा देंगे। मुझे लगता है कि इसको मुझे थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा, तो वाइड करने के लिए इसके साउंड को हम यूज़ कर सकते हैं यूटिलिटी एंड देन इसको इसकी जो विड्थ है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ से थोड़ा सा। ओके, वापस से आएंगे यहाँ पर, मोनो स्विच को ऑन कर लेंगे अब, क्योंकि हमारी जो मेन फ्रिक्वेंसीज थी वो हमने यहाँ पर अभी अपने किक के साथ एडजस्ट कर ली हैं। यहाँ पर एक ये जो मेरी सेकंड मेलोडी है उसको हम ट्राई करेंगे।
ये मैंने यहाँ पर डायनेमिक ईक्यू किया हुआ है, नॉट डायनेमिक सॉरी मिड साइड ईक्यू किया हुआ है, इसको मैं डिलीट करूँगा और आप लोगों के सामने फिर से एक बार इसको करूँगा कि कैसे मैंने किया था इसको पहले। ईक्यू का प्लगइन लिया हमने, सबसे पहले हम इसकी जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज हैं उनको हटाएंगे। अब एक और ईक्यू अप्लाई करेंगे एंड देन मिड साइड ईक्यू, और इसको हमने करना है सेंटर से थोड़ा सा लो एंड देन। अगर आप किसी चीज़ को सेंटर के अंदर स्पेस देना चाहते हैं तो आप डायनेमिक सॉरी मिड साइड ईक्यू को यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छे से काम करता है इंस्टेड ऑफ पैनिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए मैंने इसको बिना हटाए कुछ थोड़ा सा यहाँ से लो कर दिया तो मेरे को जो स्पेस है वो मिल गया सेंटर के अंदर, तो ये भी मेरा आराम से यहाँ पर मिक्स हो चुका है। नाउ लेट्स हियर दिस बेस, ये मेरी एम्बियंट बेस है, इसको भी मैंने यहाँ पर मिड साइड ईक्यू किया हुआ आप देख सकते हैं पहले से ही जब मैंने इसको कंपोज किया था। मुझे यहाँ पर एक थोड़ा सा लगता है कि मुझे इसे थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा यूटिलिटी। थोड़ा सा गेन कम कर दिया हमने एंड प्रीटी मच ये सारे मेरे इंस्ट्रूमेंट थे जो मुझे करने थे यहाँ पर, बाकी एवरीथिंग आई थिंक ऑलरेडी इज ऑन द प्लेस। ये वाला जो वॉइस का जो सैम्पल है वो उसको हमने लेफ्ट एंड राइट ऑलरेडी जब अपना वोकल प्रोसेसिंग कर रहे थे वहाँ पर मैं आपको बताया था, इसको मैंने किया हुआ है तो इसको करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा एक राइजर है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद मेरा जो फिल ड्रम है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक इफेक्ट लगाया हुआ है, अगर आपको पता लगे तो मैंने इसको लेफ्ट टू राइट पैन किया हुआ है, बट मुझे इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी अभी कम लग रही है तो मैं इसको मे बी 1 dB इंक्रीज कर दूंगा यहाँ से। अब सारी चीज़ों को एक साथ सुनते हैं और हम स्विच करके देखेंगे मोनो के अंदर और अपने स्टेरियो के अंदर कि कैसा साउंड आ रहा है। देखिए मोनो के अंदर भी बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है, मेरा एक एक इंस्ट्रूमेंट मुझे पता लग रहा है कि बज रहा है कहाँ पर है तो, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई एक चीज़ कम्प्लीटली लेफ्ट में ही चल रही है, कोई चीज़ राइट में ही चल रही है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली अपनी जगह पर हैं। तो अगर कोई चीज़ आपकी मोनो के अंदर अच्छे से सुनाई दे रही है इट इज़ गारंटीड कि वो आपकी स्टीरियो के अंदर भी अच्छे से सुनाई देगी। सो लेट्स हियर इट। अब इसको स्विच करूँगा स्टीरियो के अंदर, बेस को मैं 1 dB और इंक्रीज करूंगा बिकॉज मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कम लग रही है बाकी इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले में। ठीक है तो ये वाला पार्ट जो है मेरा मिक्स हो चुका है अब अच्छे से। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस वाले पार्ट पे आऊंगा जहां पर मेरे वोकल्स भी चल रहे हैं। अब क्या करना है कि सॉरी मैं इसको यहाँ से लूप कर लूंगा इतना, और यहाँ पर एक मेरा ये वाला इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैंने अभी तक नहीं छेड़ा है तो इसको हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा वाइड करना है और उसके लिए इसके ऊपर डालेंगे यूटिलिटी एंड अगेन इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देंगे मे बी 125%। और यहाँ पर क्योंकि मेरा किक वाला कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर देखिए किक नहीं चल रही है तो मुझे इसके जो इनिशियल फ्रिक्वेंसीज है उनको हटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं एक ईक्यू लगा के इसको चेक कर सकते हैं स्टिल कि यहाँ पर कुछ खराबी तो नहीं है। तो जो बेस वाला पार्ट था अगेन मैंने उसको क्लीन रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक ईक्यू लगा दिया है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा एक बेस वाला पार्ट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर मेरे प्लग्स चल रहे हैं, अब प्लग्स को हम करेंगे ईक्यू अगेन। इसके
इसको हम एक बार और EQ करेंगे यहाँ पे, और इस बार हम डालेंगे इसे मिड साइड EQ में, और इसको सेंटर में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और साइड से थोड़ा सा कम कर देंगे। देखिए मैं जहाँ पर इंक्रीज करता हूँ, मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि इसके ऑपोजिट साइड में इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, ताकि बैलेंस बना रहता है। ठीक है, उसके बाद बाकी के मेरे सारे वोकल्स ही हैं और चीज़ें मैं ऑलरेडी पैन कर चुका हूँ, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो लेट्स हियर इट विद वोकल्स। शहर विच आया जदों जिंदगी बिछोण विछड़े यारां दी यादा मैनूं बड़ियां सताउण ने यूं लगदा सी मनो हुंदा बड़ा सी मैं तंग हुंदा सी हैरान वेख दुनिया दे ढंग इक नवीं रोज़ फिर मेरी जिंदगी च आई अंधेरा कर दूर मैं सी रोशनी गवाई नवे लोग नवी रावां गया दिल च वसां। तो वोकल्स मुझे एकदम ठीक सुनाई दे रहे हैं मेरे बाकी के इंस्ट्रूमेंट के साथ। आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत है, बट मैं क्या करूँगा कि जो मेरा वोकल्स वाला ग्रुप है उसके ऊपर EQ लगाकर एक बार मैं चेक जरूर करूँगा कि कुछ खराबी तो नहीं है। मुझे लगता है कि वोकल्स थोड़े से मेरे दबे हुए सुनाई दे रहे हैं, तो हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा हल्का सा मैं उनको यहाँ पर EQ करूँगा। इसको सोलो करके एक बार वोकल को सुन लेते हैं। नवी रोज फिर मेरी जिंदगी च आई अंधेरा कर दूर मैं सी रोशनी क पाई नवे लोक नवी रावा गया दिल च वसांदा कर कारनामे वक गया ना मैं कमांदा विक जिंदगी बदल मैनू समझ नहीं आई कि मैं यारा नवे यादे विच खुशी नवी पाई जदो सोचा मैं दोबारा पारे पिछले यारा सारी खुशियां। तो मैंने इसको थोड़ा सा EQ करने के बाद मैंने इसकी फ्रिक्वेंसीज शुरू से हटा दी हैं, और लास्ट में जाके थोड़ा सा मैंने इसको इन्हेंस कर दिया ताकि और खुल के मेरा वोकल आए, क्योंकि ये जो प्रोसेसिंग मैंने की थी वोकल्स के ऊपर वो मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में की थी, तो आई थिंक वहाँ से यहाँ तक हमने काफ़ी चेंजेज ऑलरेडी किए हैं, तो थोड़ा सा EQ इसमें बनता है। सो नाउ लेट्स हियर इट। अब ये वाला पार्ट हमने सुन लिया, चलिए एक बार हम ड्रॉप के बाद का पार्ट सुनते हैं कि वो कैसा सुनाई दे रहा है। दुनिया है वक वक रंगा हदी साड़ी सुनदा है कौन मलंगा दी ये दुनिया है वक वक रंगा हदी। ओके, तो चीजें मुझे लग रहा है कि एकदम ठीक हैं अभी। मुझे एक चीज यहाँ पर करनी थी, ये वाला जो मेरा हाई हैट था इसको शायद मैंने अभी तक छुआ नहीं है। ओके, सो ये ऑलरेडी पैंड है लेफ्ट टू राइट, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, और इसका वॉल्यूम भी ठीक ही है, सो दैट्स परफेक्ट। ये वाला पार्ट हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन। सो एक बार मुझे किक और बेस का जो कॉम्बिनेशन है वो दोबारा से सुनना है, जस्ट टू बी श्योर कि हमने जो मिक्सिंग की है अब तक वो एकदम सही हुई है, तो मैं सिर्फ किक और बेस को सुनूंगा। मैंने इसके जो गेन है उसको 1 जो है बढ़ा दिया है 1%, तो इससे क्या है कि जो पहले हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज कट की थी उनका जो बैलेंस है वो हो गया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सुनाई दे रहा था कि बेस मेरी थोड़ी सी वीक है, तो वो इसको थोड़ा एडजस्ट करने के लिए मैंने दोबारा इसको सेट किया है। अब हम आएंगे अपने मास्टर ट्रैक के ऊपर, और मास्टर ट्रैक के ऊपर हमने क्या करना है कि लिमिटर जो था मेरा इसको आई थिंक हमने सबसे लास्ट में यहाँ पर डालना पड़ेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला यहाँ से इसको हम थोड़ा सा लो करेंगे, बाकी के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को भी, और एक बार हम स्पैन जो है हमारा इसको ऑन कर लेते हैं, तब हम अपनी फ्रिक्वेंसी को थोड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ से। दुनिया
मैंने बेस वाला जो पार्ट था लोअर पार्ट उसको थोड़ा सा हाई किया है और यहाँ से सेंटर से थोड़ा सा इसको मैंने कम कर दिया है ताकि चीज़ें बैलेंस में रहें। तो आज के वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम जो हमारा काम है वो हो चुका है। यहाँ पर देखिए मिक्सिंग जो है वो इतनी ही आसान है जितनी मैंने आपको करके बताई है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, बट ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप उनको ध्यान में रखें कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर है, कौन सी फ्रिक्वेंसीज कट करनी है, आई थिंक मिक्सिंग से आसान कुछ होता नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि आप इसको इन्जॉय करें जब आप कर रहे हैं। अगर आप इसको इन्जॉय नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा इसके अंदर पजल रहेंगे। वही मैं करता हूँ कि मैं इसको बहुत इन्जॉय करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर भी हमारी जो हार्श फ्रिक्वेंसीज़ हैं, जैसे कि जो बहुत शार्प फ्रिक्वेंसीज़ हैं, उनको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे यूजिंग EQ, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम आएंगे इसकी मास्टरिंग के प्रोसेस पर। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक डेट एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, गुड बाय।